लिए A1 सर्वर है मकानदार जो एसिड डाला, जो उसका बेटा है तैयार। आसमा कौसर, मेरा नाम सईद आसमा कौसर है। आई एम वर्किंग एज ए टीचर। मैं जो है कि RN कॉलोनी संतोष नगर में घर ली थी किराए का। वो घर जो है कि लेके मैं 9 महीने और मई में ली थी मैं घर, 20,000 रुपये एडवांस दे के। लेने के बाद में मई से हम लोगों का अच्छा रिलेशनशिप था, सबके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। सडनली अचानक मेरे हस्बैंड ला के गाड़ी में हमारे घर के पास रखे, तो मकानदार बोला गाड़ियाँ घर के पास नहीं रखना, 4 गाड़ियाँ नहीं रहना। अब मेरे को है 2 बेटे 1 बेटी, अब 2 बच्चे अपने अपने गाड़ियाँ चलाते हैं, मैं अपनी गाड़ी चलाती हूँ। तो गाड़ी की वजह से लड़ाई शुरू हुई, मकानदार बार बार टॉर्चर करा, गाड़ियाँ हटाओ बोलते। फिर मेरे हस्बैंड एक गाड़ी लेके चले गए, 3 गाड़ियाँ थे, तो 3 भी नहीं रखना बोला। तो मैं भी बहस करी किस वजह से नहीं रखना 3 गाड़ियाँ, तो रोड पर रखे ना बोले। तो उन्हें जैसे कि क्या करा, गाली गलौज करा। तो मैं आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दी, 6 फरवरी को कंप्लेन दी। कंप्लेन देने के बाद में जब का जब FIR बुक हो गया, शाम तक उसको अरेस्ट भी कर दिया, रिमांड भी कर दे रहे थे। लेकिन मेरा बड़ा बच्चा जो है मोहम्मद अब्दुल फराज, उन्हें आके कॉम्प्रोमाइज़ कर दो मम्मी, इंगेजमेंट है मेरा 15 फरवरी को बोले। तो मैं अच्छी बात है ठीक है बोल के बच्चे की सूरत देके, बच्चे के वास्ते मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर देके खामोश बैठ के टाइम ले ली मैं पुलिस स्टेशन में कि विद इन 3 मंथ्स मैं घर खाली करती हूँ बोल के। लेकिन 3 मंथ से पहले यानी लास्ट मार्च ऑफ दिस मंथ, मार्च 6 को मैं घर पूरा वेकेंट कर दी। घर पूरा खाली कर देने के बाद में एडवांस लेने के वास्ते जब मैं गई, महल्ले के लीडर जो भी है लोग आए बैठे करे, पेपर लिख के करके साइना लेके मेरे हाथ को मेरा एडवांस वापस दिए 20,000 रुपये, जिसमें से घर का किराया कट हुआ और करंट का बिल कट हो के मेरे हाथ को आए 15,000 रुपये। 15,000 रुपये लेके मैं जब पैसे लेके गिन रही हूँ, तो वो टाइम पे तैयब इनका सर्वर मकानदार का जो बेटा उन्हें फ़ोटो खींचा, तो मैं समझी कि प्रूफ के वास्ते खींच रहा शायद बोल के मैं भी इग्नोर करी। लेकिन दूसरे दिन इंस्टाग्राम पे डाल दिए, क्या बोल के डाल दिए कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, आई एम डूइंग द बिजनेस ऑफ प्रोस्टिट्यूट बोल के ऐसा डाल के इंस्टाग्राम पे पूरा अपलोड करके छोड़ डाले। उसके बाद में सुबह में जब बच्चा देखा, देख के बोला मम्मी ऐसा करे इंस्टाग्राम पे डाले बोलते। मैं बोली छोड़ो लाइट ले लो, मैं बात कर लेती हूँ पुलिस वालों से, कंप्लेन देती हूँ बोलते। बच्चा जो है कि बात करता हूँ मैं जाके बोल के घर के पास आके बात करने आया, उन्हें बात करने आते इन लोग पहले से प्लान करके रखे थे, सर्वर तैयब आसिफा और सुमैया चारों मिलके मिर्ची का पानी डाल के एसिड डाल के बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मार के जख्मी कर दिया और एसिड डाले, पूरा उन्हें डैमेज हो गया। उसकी लेफ्ट आई तो ज़रा भी काम नहीं कर रही, ब्लैक जो रहता उसके अंदर आईलिड वो तो पूरा बेकार हो गया बोल के बोल रहे। अवेसी में लेके गई, उसके बाद में असरा को लेके गई, श्रीवेणी हॉस्पिटल को लेकर गई और नेत्रालय, 4 हॉस्पिटल में लेके फिर अभी तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब यहाँ तक तो ट्रीटमेंट जा रहा, लेकिन टाइम वाइज उसकी अच्छे होने की जगह पर उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होते जा रही। तो अभी इंस्टाग्राम पे जो फोटो डाले थे मैडम आप जी, तो उसके बारे में आप कंप्लेन नहीं करें? कंप्लेन करने से पहले बच्चा बात करता हूँ बोल के चले गया। मैं बोल रही हूँ सुबह 8 बज रहे हैं बेटा, पुलिस वाले आते वो पुलिस स्टेशन में, रवि सर आए तक टाइम लगता, 10 बजे तक जाएंगे बोल दो, बच्चा कॉलेज को नहीं जाके एग्जाम है बोल के एग्जाम देने जा रहा शायद समझो, तो नहीं यहाँ पे आ गया पुलिस घर के पास आके कई को करे ऐसा बोल के पूछने आया था, उन्होंने अटैक कर दी। कंप्लेन हो गया, FIR बुक हो गया, 307 सेक्शन केस लग गया चारों के ऊपर। लेडीज अभी भी घर में थे, उन लोगों को पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करे। अब ये 2 जेंट्स है तैयब और सरवर दोनों भागे हुए हैं, जितना जल्दी वो अरेस्ट करिए सर इन लोगों को। मैं कमिश्नर साहब से भी रिक्वेस्ट करी और सबसे रिक्वेस्ट करी, और अब यहाँ तक तो सब जने मेरे को कॉपरेट करते हुए आ रहे हैं, अब आगे भी ज़रा फ्यूचर में कॉपरेट करे तो बस, और आगे फ्यूचर में बच्चे की जान का तो धोखा है। अब जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो उसके बाद तो कुछ भी होने के चांसेस है।